भारतीय वायुसेना के पायलट कार्तिक ठाकुर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाहना के महाकाल शमशान घाट पर किया गया। कार्तिक के चचेरे भाई ओजस ठाकुर ने चिता को मुखाग्नि दी। वायुसेना के जवानों ने हवाई फायर करके अपने साथी को सलामी दी। आसपास के गांवों के लोगों ने कार्तिक ठाकुर को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान सांसद राम स्वरूप शर्मा, जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा और बैजनाथ के विधायक मुल्क राज प्रेमी के अलावा प्रशासन की ओर से एसडीएम जोगिंद्रनगर मेहरा और एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला भी मौजूद रहे। मंगलवार सुबह कार्तिक के शव को कोलकाता से लाहला लाया गया था। वायुसेना के अधिकारी बयान में कार्तिक की मौत की वजह हादसा बताई गई है। हालांकि इस बात पर से अभी भी पर्दा उठना बाकी है कि 23 साल के कार्तिक की मौत विमान दुर्घटना में हुई है या किसी और कारण से। हैदराबाद में पोस्टेड कार्तिक ट्रेनिंग के सिलसिले में कोलकाता आए थे। घर पर कार्तिक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। माना जा रहा है कि कार्तिक की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हुई है, लेकिन परिजनों के गले ये बात नहीं उतर रही है। परिजनों का कहना है कि कार्तिक 6 साल की उम्र से तैराकी करता था, इसलिए स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत नहीं हो सकती। परिजनों ने आशंका जताई है कि कार्तिक को डूबोकर मारा गया है। उन्होंने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।